नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, दो अच्छी खबर सामने आई है। पहली खबर जुड़ी हुई है वसई विरार महानगर पालिका मैराथन से, तो वहीं दूसरी जुड़ी हुई है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। तो आपको बता दूं, वसई विरार पहली खबर की बात करूं वसई विरार महानगर पालिका मैराथन की, तो दो साल कोरोना में 2020 और 2021 में कैंसिल हुई वहां वसई विरार महानगर पालिका मैराथन इस साल लौट आई है और वसई विरार महानगर पालिका मैराथन की तारीख का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वसई विरार को दिसंबर का दूसरा संडे अलॉट किया हुआ है फेडरेशन ने, तो उसी हिसाब से इस साल 11 दिसंबर को वसई विरार महानगर पालिका मैराथन का आयोजन होना है। उसमें कैटेगरी अलग अलग रहेगी, उसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह बाद में होगी और उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि वसई विरार महानगर पालिका मैराथन को लेकर 9 सितंबर शुक्रवार से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वसई विरार महानगर पालिका की वेबसाइट के ऊपर शुरू कर दी जाएगी। आप सभी जानते हैं वसई विरार महानगर पालिका मैराथन देश ही नहीं दुनिया में फेमस है और अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है। पिछले दो साल कोरोना था और ये इवेंट नहीं हो पाया था, लेकिन इस साल फिर ये इवेंट लौट आया है। पिछले सालों का रिकॉर्ड है, 14,000-16,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें सहभाग लिया था और ये 10वीं मैराथन है। तो आगामी दिनों में मैराथन के जो कोई उम्मीदवार है वो जरूर वसई विरार महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करके अपना रजिस्ट्रेशन जिस कैटेगरी में करना है। दूसरी खबर जुड़ी हुई है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। तुम्हारा शासन और चुनाव आयोग ने ग्राम पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया है। उसी ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पालघर जिलाधिकारी कार्यालय से जो प्रेस सामने आया है उसमें ऐसा बताया गया कि पालघर की 342 सीटों पर आगामी दिनों में चुनाव की पूरी कार्यक्रम है। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या कार्यक्रम है, उस आधार पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो सबसे पहले 13 नौ को संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा नोटिस निकाला जाएगा। उसके बाद में 21 से 27 तारीख के बीच में फॉर्म, जो कोई इच्छुक उम्मीदवार है वो फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें 24 और 25 सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी। उसके बाद में 28 को उन फॉर्म की, जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उनकी छाननी की जाएगी, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में 30 तक 2 दिन का समय रहेगा, किसी को फॉर्म फिर से उठाना है तो उठा सकता है। उसके बाद में 13 तारीख को और 30 तारीख को ही फॉर्म उठाने के बाद में जो जितने कैंडिडेट बचेंगे उनको चुनाव चिन्ह जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में 13 अक्टूबर 13-10 को सुबह 7:30 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक चुनाव होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो, जहां नहीं पड़ी वहां नहीं होंगे, अगर कहीं कहीं निर्विरोध अगर हो गया तो वहां पर चुनाव नहीं होंगे, लेकिन जहां एक से ज्यादा कैंडिडेट है तो वहां चुनाव होंगे। फिर 13-10 को चुनाव होने हैं। अगले दिन 14-10 शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी और निकाल जाहिर किया जाएगा। उसके बाद में 19 तारीख तक लास्ट जिलाधिकारी कार्यालय से जो निकाल है उसकी अधिसूचना प्रसिद्ध कर दी जाएगी। तो यह पूरा कार्यक्रम जाहिर किया गया। 342 ग्राम पंचायत पालघर की है, वहां चुनाव होने हैं। उसमें भी सबसे ज्यादा तलाशी है वो पालघर प्रॉपर पालघर तहसील की है। उसके बाद वाड़ा की 70, डहाणू 62, विक्रमगढ़ 36, जवाहर 47, वसई 11, मोखाड़ा 22, तलासरी 11, इस तरह से 342 ग्राम पंचायतों में चुनाव होने हैं। तो मैं आपको दो खबर सुनाया, दोनों अच्छी और खुश खबर है। एक तरफ जहां महानगर पालिका मैराथन दो साल से नहीं हो पाई थी तो फिर इस साल लौट आई है, तो वहीं दो साल से अटके पड़े चुनाव भी अब होने हैं।
ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।